गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पॉकेट साड़ी जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जिसमें हम इजीली अपना मोबाइल रख सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत इजी है। इसकी काफी सारी वैरायटीज चल रही है। सो आज मैं आपको कुछ एक इसका तरीका बता रही हूँ। मैं इसके काफी सारे वीडियोस आपको दूंगी जिसमें आप काफी सारी तरह की पॉकेट साड़ी बना पाएंगे। सो आज जो हम साड़ी बनाने वाले हैं पॉकेट साड़ी, उसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। मेरा नेवी ब्लू कलर का प्लेन फैब्रिक है और ये मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है गाइस, जो ब्लाउज बनाने के बाद बचा हुआ है। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए। सो मैं इसे ले रही हूँ। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी फैब्रिक ले सकती है। सो सबसे फर्स्ट जो मैं आपको आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो सबसे इजी है। सेकंड जो मैं आपको एक दो वीडियो और दूंगी इस साड़ी से रिलेटेड, तो वो भी कुछ डिफरेंट होंगे। सो इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे और यूनिक लगे तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलती है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज देखिए, ये मेरा फैब्रिक है और ये मेरा प्लेन फैब्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉकेट की साइज डिसाइड कर लेनी है। सो पॉकेट की साइज थोड़ा सा मैं इसे वियर करके डिसाइड करूंगी। सो मैं आपको पहले बताती हूं कि आपको वियर करके किस तरीके से मार्किंग करनी है। ओके गाइस, देखिए कपड़ा हमें नॉर्मली पॉकेट बनाना है तो उसके लिए कपड़ा सफिशिएंट होगा। अब पॉकेट का साइज थोड़ा सा एक हम अंदाज ले लेते हैं। वैसे मुझे जो पॉकेट का साइज चाहिए 8 इंच काफी होगा, इतना बड़ा पॉकेट बहुत है, काफी होगा। थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए उधर चला जाएगा, तो इतनी जो ये इस कपड़े की चौड़ाई है ये भी काफी होगी। मैं कढ़ाई वाला एरिया ही लूंगी, ये प्लेन वाला एरिया नहीं लूंगी। तो चलिए अब मैं वियर करके किस तरीके से आपको साड़ी में पॉकेट लगाने के लिए मार्किंग करनी है ये आपको दिखाती हूं। तो इस तरीके से देख लिए, मैंने साड़ी को वेयर कर लिया है। वेयर करने के बाद हमारा जो प्लट का एंडिंग एरिया है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए देखिए इस तरीके से आप पहले मिरर में देख लीजिए कि आपको कितना बड़ा इसका साइज चाहिए। देखिए मैंने चॉक ले लिया है, अब मैं मार्किंग कर रही हूँ। सो इसके लिए मुझे जितना पॉकेट का साइज चाहिए साइड में चाहिए, बिल्कुल सेंटर में मैं नहीं रखने वाली हूँ। ये आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल फ्रंट में रखना है या दोनों तरफ रखना है। देखिए मैं इस तरीके से कुछ मार्किंग कर रही हूँ तो मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे पॉकेट का साइज कितना रखना है और ये कैसा लगेगा। देखिए इस तरीके से मैं मार्किंग करती जा रही हूँ, जितना मुझे साइज लगेगा इतना फिर मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। सो इतना मुझे काफ़ी लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से मेरी मार्किंग हो गई। इस तरीके से आपको भी वियर करके देखना है और मार्किंग करनी है ताकि आपको भी पता चल पाए। ये देखिए मुझे इतना काफ़ी लग रहा है, हैंड के लिए भी सफिशिएंट रहेगा ये फैब्रिक। देखिए इतना साइड में बेटर रहेगा क्योंकि फ्रंट में थोड़ा सा अजीब लगेगा। स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं इसे। इस तरीके से जिस साड़ी पर भी आप पॉकेट साड़ी बना रहे हैं उस पर मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो पॉकेट को लगाने में। इस तरीके से मैंने मार्किंग कम्प्लीट कर ली है, मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसे कैसे कैसे की कटिंग करनी है और कैसे इसे अटैच करना है चलिए ये देखते हैं। ये देखिए गाइस मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब जो मैंने मार्किंग की थी उसका मैंने नाप ले लिया है कितने इंच का है। तो जो उसकी लेंथ जो है मुझे रेडी जो चाहिए वो 9 इंचेस का चाहिए लेंथ में पॉकेट, और जो चौड़ाई है उसकी 7.5 है। तो हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे जो सिलाई में जाएगा। देखिए इधर मुझे फोल्ड करने की जरूरत नहीं होगी, देखिए ऑलरेडी फोल्ड है। तो इस तरीके से मैं हाफ इधर एक्स्ट्रा ले लूंगी, 9.5 का एक फैब्रिक कट। देखिए 9.5 पर हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जो इसे मैंने चौड़ाई बताई है मुझे 7.5 चाहिए, तो 7.5 चाहिए तो मैं 8 इंच ले लूंगी, ठीक है गाइस। ये 8 इंच ले लिया है। अब इस कपड़े को एक जैसा करते हुए कट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से एक जैसा कर लेंगे और जो हमारा निशान है देखिए ये रहा हमारा। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस फैब्रिक को अलग कर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक से पॉकेट साड़ी इजीली बना सकती है। अब ये जो मैंने मार्किंग की है ये फैब्रिक में अलग कर देती हूं। ठीक है गाइस, ये मैंने कपड़ा अलग कर दिया है। अब इस कपड़े को एक जैसा कर देती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे इधर से।
ये देखिए अब ये हो गया है, हमारा पॉकेट रेडी है। अब हमें इधर से भी थोड़ा सा निकालना है ये फैब्रिक भी निकाल देती हूँ मैं। अब इसे साड़ी में कैसे ज्वाइन करना है ये हम, ये देखिए गाइस, आपको पॉकेट को डायरेक्ट यहाँ से नहीं लगाना है क्योंकि थोड़ी सी हमारी साड़ी अंदर टर्न हो जाती है जब भी हम इसे वियर करते हैं, इसलिए डायरेक्ट पॉकेट को बिल्कुल ऊपर से ना लगाए, कम से कम थोड़ा सा गैप रखें। मैं आपको इंच नाप कर दिखा देती हूँ कि आपको कितना गैप रखना है। और गाइस थोड़ा सा एक और बात देखिए, मैं कम से 3 इंचेस का 2.5 का गैप दे रही हूँ, इतने इंच के बाद में इसे लगाऊंगी। तो इस हिसाब से हम मार्किंग कर देते हैं। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। अब आती है थोड़ी सी आपको क्या करना है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पटली के यहाँ हमारा एरिया थोड़ा सा, साड़ी हमारी थोड़ी सी नीचे होती है, इसलिए इधर वाले की तरफ आपको थोड़ा सा इसे इस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है गाइस, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, हल्का सा आपको इस तरीके से तिरछा लेना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको निशान बताती हूँ ये, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा आप तिरछा लेंगे तो आपका पॉकेट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये मेरी मेन मार्किंग है तिरछी। ठीक है, अब हम लंबाई चौड़ाई वाली मार्किंग कर लेते हैं और एज इट इज मैं आपको इस पे आप पॉकेट ज्वाइंट कर बताती हूँ। इस पॉकेट को ज्वाइंट करके अब आपको ज्वाइंट कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए इधर मेरा कपड़ा आप देख चुके हैं कि बिल्कुल फोल्डेड है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इधर इसे एज इट इज ओपन रहने दूंगी, इधर हमारी सिलाई की कोई भी नहीं होगी। यहीं तक देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर हम इधर सिलाई लगाएंगे, इधर भी फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और फिर इधर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए। लेकिन इस एरिया को आपको पूरा ओपन रहने देना है और आप चाहे तो थोड़ी सी इतनी इतनी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, पूरा इसे ओपन रहने दे रही हूँ। और लगाए तो भी सिर्फ इतनी इतनी सी सिलाई यहाँ तक लगाए, आपका हैंड अंदर चला जाए पॉकेट में, इतना एरिया आप इसे ओपन रहने दें। तो अगर आपको सिलाई लगानी भी है तो सिर्फ आप इतने इतने एरिया में लगाए। ठीक है, ये जो मैंने चौक लगाया है सिर्फ इतने एरिया में सिलाई हो, थोड़ी सी वैसे यहां तक आप इसे इतना सा कोना लेकर आ जाए ताकि ये अच्छे से फिट रहे ये कोना भी, तो इतना इतना एरिया आपको ओपन रहने देना है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके साड़ी को वियर करके दिखाती हूँ कि पॉकेट वाली साड़ी का लुक कैसा आएगा। सो गाइस इस तरीके से मेरी साड़ी बनकर रेडी हो गई है और इसका ये फाइनल लुक आया है। ये पॉकेट वाली साड़ी प्लेन साड़ी में बहुत ही डिफरेंट लुक देगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।